चैप्टर नंबर 4 में बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं बच्चों हम लोग, और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमारे हैं दो बेसिस, एक है कैश बेसिस और दूसरा है एक्रुअल बेसिस। ठीक है, जल्दी से नोट करिएगा। नोट कर लिया बच्चों, आगे चलते हैं। हम बात कर रहे हैं यहां पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की पहले। तो बच्चों जब आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं तो ये सिस्टम है जहां पर आप सभी ट्रांजेक्शन की सिर्फ कैश में रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, उन्हीं ट्रांजेक्शन की सिर्फ आप अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करेंगे जो कि कैश में हुई है। नॉन कैश ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में नहीं की जाती। क्लियर बच्चों? यानी कि यहाँ पर आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड, इनके लिए कोई प्रोविजन नहीं होता। पैसा आया, इनकम मान ली गई, पैसा गया, एक्सपेंसेस मान लिए गए। टोटल रिसीट विल बी कंसिडर एज द इनकम व्हाइल टोटल पेमेंट्स विल बी कंसिडर एज एक्सपेंसेस, एंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसीट एंड टोटल पेमेंट विल बी द इनकम ऑफ द बिजनेस। तो चेक करते हैं बच्चों, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड। क्लियर बच्चों? ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग कब होगी? जब कैश हमें मिलेगा, और व्हेन कैश इज पेड। इट मींस रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिसीट ऑफ कैश। लाइकवाइज एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड व्हेन दे हैव बीन पेड। एक्सपेंसेस को आप मानेंगे कि खर्चा तब हुआ है जब आपने उसकी पेमेंट की है। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंस रिप्रेजेंट्स द प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो इसका मतलब जब बच्चों आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं तो सिर्फ आप कैश के टाइमिंग पर रिकॉर्ड कर रहे हैं अकाउंटिंग की ट्रांजेक्शंस की। पैसा आ रहा है, आपने उसको इनकम माना, पेमेंट कर रहे हैं, आपने उसको एक्सपेंस माना, तो वहां पर आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस और एक्रूड का कोई स्कोप नहीं होता, ना ही हम इनको कंसिडर करते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं हम इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सच एज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, क्लब, स्कूल आर द एग्जांपल्स ऑफ अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस। बच्चों कैश बेसिस पर अकाउंटिंग कौन करता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हो गए, क्लब्स हो गए, स्कूल हो गए, ये हमारे कैश बेसिस पर अपने अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों कैश बेसिस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैश बेसिस इज अ सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बहुत ही सिंपल मेथड है, क्योंकि यहाँ पर आपने प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हुए एडजस्टमेंट्स नहीं करनी होती। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनको कंसिडर नहीं करना, तो इनकी एडजस्टमेंट भी नहीं होगी। तो ये हमारा सिंपल मेथड है, बहुत इजीली आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाते हैं। द अप्रोच इज मोर ऑब्जेक्टिव एज वेरी फ्यू एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि नॉन कैश ट्रांजेक्शंस की यहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर फ्यू एस्टिमेट्स, बिल्कुल एस्टिमेशन ना के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसमें वो ज्यादा एक्यूरेट आता है। द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज सूटेबल फॉर दोज एंटरप्राइजेस वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस आर ऑन कैश बेसिस। कौन यूज करता है बच्चों इनको? दिस मेथड इज नॉर्मली यूज बाय दोज ऑर्गेनाइजेशंस हु डील्स इन कैश। डिसएडवांटेजेस क्या है इस मेथड की? इट डज नॉट गिव द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट, ये करेक्ट प्रॉफिट का अमाउंट हमें नहीं बताता। क्यों? क्योंकि सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शंस आपने रिकॉर्ड किए, नॉन कैश ट्रांजेक्शंस तो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो जब आधी ट्रांजेक्शंस, काफी सारी ट्रांजेक्शंस यानी कि क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शंस आपने रिकॉर्ड ही नहीं की, तो आपके पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होने पर आपको करेक्ट पिक्चर बिजनेस की नहीं मिलेगी। इट इग्नोर द आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। नेक्स्ट है, इट डज नॉट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल, यहाँ पर मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। मैचिंग प्रिंसिपल क्या बताया गया था आपको बच्चों? कि आपने पेमेंट की अप्रैल में रेंट की ₹20,000, बट ये रेंट आपने पे किया था सेप्टेम्बर के लिए, तो एक्चुअली एक्सपेंस ये कब का है? है तो ये सितंबर का, क्योंकि प्रीमाइसेस आप सितंबर में यूज करेंगे, लेकिन कैश बेसिस में, लेकिन कैश बेसिस ये कहता है कि आपने जब पेमेंट की है ये आप एक्सपेंस उसी पीरियड का मानिए। आपने पेमेंट अप्रैल में की है तो एज पर कैश बेसिस ये आपका एक्सपेंस कब का होगा? अप्रैल का, नॉट इन सितंबर। तो यहां पर मैचिंग प्रिंसिपल को हम इग्नोर कर देते हैं, बेसिक प्रिंसिपल है हमारा। दिस सिस्टम डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर,
यहां पर कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स के बीच में आप डिस्टिंग्विश नहीं करते, एज अ रिजल्ट देयर इज नो कंसिस्टेंसी इन द प्रॉफिट ऑफ द टू ईयर्स। ठीक है, अलग अलग जो भी आपने अमाउंट पेमेंट की वो उसी पीरियड का खर्चा है, जो भी आपने मशीनरी परचेज की उसके लिए पेमेंट की वो उसी पीरियड का एक्सपेंस मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से प्रॉफिट आपका टू इयर्स का कंपेरेबल नहीं होता, उनमें कंसिस्टेंसी नहीं आती है। जल्दी से इसको भी नोट करेंगे जी। नेक्स्ट है बच्चों एक्रुअल बेसिस के एडवांटेजेस देखेंगे। दिस इज मोर साइंटिफिक सिस्टम एज कम्पेयर टू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसलिए हम हमेशा प्रेफरेंस एक्रुअल बेसिस को देते हैं। एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कंप्लीट पिक्चर हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शंस की रिकॉर्ड की जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्योंकि इसके अंदर कैश एज वेल एज नॉन कैश सभी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं, और हम एडजस्टमेंट्स भी करते हैं किस चीज से रिलेटेड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, रिसीवेबल, अर्नड, सभी चीजों की रिकॉर्डिंग होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें कंप्लीट पिक्चर मिलती है ट्रांजेक्शंस की। द बेसिस ऑफ डिस्क्लोजेस करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, इस बेसिस से हमें करेक्ट प्रॉफिट और लॉस मिलता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, एंड इट ऑल्सो एग्जिबिट्स द ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। करेक्ट फाइनेंशियल पोजिशन भी हमें बिजनेस की मिलती है क्योंकि सभी ट्रांजेक्शंस की रिकॉर्डिंग हमारी की गई है। इट रिफ्लेक्ट्स द ट्रू प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड एंड देयरफॉर हैज वाइड एक्सेप्टेबिलिटी। इस मेथड की ज्यादा वाइड एक्सेप्टेबिलिटी है क्योंकि यहां पर करेक्ट प्रॉफिट और लॉस को रिकॉर्ड किया जाता है। इट रिफ्लेक्ट्स द ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, यहां से हमें किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के एंड की करेक्ट फाइनेंशियल पोजिशन मिलेगी, क्योंकि जो हमें यहां पर पोजिशन मिलती है वो आफ्टर एडजस्टिंग द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को एडजस्ट करके मिलती है, सारी चीजों को एडजस्ट कर देते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है बच्चों इस मेथड की, इट इज नॉट अ सिंपल मेथड, ये सिंपल मेथड नहीं है कैश बेसिस की तरह। दूसरा, ये थोड़ा सा वास्ट होता है, थोड़ा ज्यादा वर्किंग करनी पड़ती है इसमें हमें। क्विक अप्रेजल ऑफ द प्रॉफिट और लॉस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज मेनी एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू एसर्टेन द ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। करेक्ट प्रॉफिट और लॉस हमें यहाँ पर नहीं मिल पाता और हमें यहाँ पर अ क्विक अप्रेजल नहीं मिल पाता है प्रॉफिट और लॉस का, इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि काफी सारी एडजस्टमेंट्स करनी होती है। जल्दी नोट करिएगा बच्चों, इमीडिएट अगर आपको चेक करना है कि प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ वो पता नहीं चल पाएगा, उसके लिए पूरी आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फाइंड करनी पड़ेगी। नोट करिए ओके। नेक्स्ट बच्चों, अभी तक जो भी हमने पढ़ा आइए अब उसको समअप करते हैं और दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की। तो एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में दोनों कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है, लेकिन कैश बेसिस ऑफ अकाउंट में सिर्फ कौन सी रिकॉर्डिंग करेंगे बच्चों, कैश ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं। आप लोग बात समझ गए, एक्रुअल बेसिस में कौन सी रिकॉर्डिंग होंगी, सभी ट्रांजेक्शंस की रिकॉर्डिंग होंगी, चाहे वो कैश बेसिस पर है, कैश के नेचर की है, क्रेडिट वाली है, लेकिन कैश एक्रुअल बेसिस में सभी ट्रांजेक्शंस की रिकॉर्डिंग होंगी कैश और क्रेडिट, लेकिन कैश बेसिस में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शंस। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनको कहां पर कंसीडर किया जाता है, ये सभी आइटम्स को कंसीडर किया जाता है, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, रिसीवेबल, पेबल, इन सबको कंसीडर किया जाएगा एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में इनको एडजस्ट नहीं करते हम लोग। प्रॉफिट और लॉस, करेक्ट प्रॉफिट और लॉस आपके हिसाब से बच्चों कहां पर मिलना चाहिए बताओ, एक्रुअल बेसिस में करेक्ट प्रॉफिट मिलना चाहिए या कैश बेसिस में, आपके हिसाब से बताइए कहां पर मिलना चाहिए करेक्ट प्रॉफिट। करेक्ट प्रॉफिट विल बी डिटरमाइंड इन एक्रुअल बेसिस, व्हाई, बिकॉज ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड देयर, वहां पर सभी तरह की ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड किए, कैश भी है, नॉन कैश भी है, लेकिन कैश बेसिस में काफी सारी ट्रांजेक्शन को तो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया विच आर मेजरेबल, जो कि उस समय कैश पर रिकॉर्ड हुई थी, जो कि कैश में हमने की थी, कैश की रिसीट या पेमेंट वाली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया, नॉन कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो हमारा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में करेक्ट प्रॉफिट और लॉस हम डिटरमाइन नहीं कर पाते बच्चों। नेक्स्ट है टेक्निकल नॉलेज, एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करते समय हमें टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमें एडजस्टमेंट्स करने होते हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, रिसीवेबल का एडजस्टमेंट्स को करना होता है, लेकिन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में टेक्निकल एस्पेक्ट इज इग्नोर्ड,
बस सिर्फ ये देखना है जो भी कैश मिला वो टोटल हमारी टोटल रिसीट ऑफ कैश विल बी ट्रीटेड एज इनकम। जो भी टोटल आपने पेमेंट किया एक पर्टिकुलर पीरियड में वो टोटल पेमेंट को आपने एक्सपेंस ट्रीट कर लिया, टोटल रिसीट माइनस टोटल पेमेंट को हम इनकम कंसिडर कर लेते हैं। लीगल पोजिशन एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज रिकॉग्नाइज बाय कंपनीज एक्ट। एक्रुअल बेसिस को हम रिकॉग्नाइज करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 में, कैश बेसिस को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में। एक्सेप्टेबिलिटी, ज्यादातर कौन सा मेथड एक्सेप्टेबल होगा आप समझ ही गए होंगे, जिसमें सभी ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होगी, जैसे कि एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज मोर एक्सेप्टेबल इन बिजनेस एज इट रिवेल्स करेक्ट इनकम एंड एक्सपेंस बिसाइड्स द एसेट्स एंड लायबिलिटी, व्हाइल कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल इन बिजनेस बिकॉज इट डज नॉट रिवील द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। काफी सारी इंफॉर्मेशन ये हमें नहीं प्रोवाइड करता क्रेडिट ट्रांजेक्शंस की। रिलायबिलिटी, accrual basis of accounting is more reliable, ये ज़्यादा reliable method है। Why? Because it record both cash as well as credit transaction and thus reveals the correct profit or loss besides the assets and liabilities. Cash basis method is less reliable, इसको कम reliability में हम accept करते हैं, because it records only cash transaction and at a result does not reveal the correct profit or loss. Suitable accrual basis कहाँ पर suitable है बच्चों? Accrual basis of accounting is suitable for all business that requires information that is complex. It can be made available by accrual basis of accounting. कोई भी businesses जहां पर information आपकी complex nature की होती है वहां पर हम accrual basis of accounting follow करते हैं। जहां पर भी outstanding है, accrued items है, receivable है, payable है, उनको adjust करने के लिए accrual basis use होगा। Cash basis basically suitable है for not for profit organization, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम वर्क कैश में होता है और प्रोफेशनल्स जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, वो लोग भी कौन सा मेथड यूज करते हैं? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। डॉक्टर्स के पास बच्चों क्रेडिट का काम होता है, कुछ उधार पर कुछ चलता है क्या? नहीं, टोटल फीस कैश में मिलती है, तो दे कैन फॉलो द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कुछ क्रेडिट में है ही नहीं, तो एक्रुअल बेसिस की रिक्वायरमेंट वहां पर नहीं है उन लोगों को। ठीक है, ये मैं स्लाइड आपको शेयर करूंगा तो ये डिफरेंस भी आपको नोट करना होगा इसमें से। अभी फिलहाल मैं आगे चल रहा हूँ, हमारे पास बच्चे। हाँ जी बोलिए सर। नीचे कैश बेसिस में सर चार्टर्ड अकाउंटेंट से करते, सर चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑडिट चेक करते सर, वो कैसे कैश बेसिस यूज करते? चार्टर्ड अकाउंटेंट जब अपना अकाउंट बनाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट जब अपनी फर्म का अकाउंट बनाएंगे तो वो प्रोफेशनल्स हैं, उनके पास क्रेडिट का कोई काम है ही नहीं। जो भी क्लाइंट आया उससे कैश चार्ज किया, फीस उनकी कैश में मिलती है, उनको इमीडिएट पेमेंट होती है, बाद का कोई चक्कर नहीं होता। कोई कस्टमर कहता है, क्लाइंट कहता है मैं 2 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, नहीं भाई जाओ आप, ठीक है ना। लॉयर्स का भी ऐसे ही होता है, डॉक्टर्स का भी ऐसे होता है। हम बात कर रहे थे यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट जब अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करता है, ठीक है बच्चे? यस सर। उसकी खुद की ट्रांजेक्शन सभी कैश में होती है। ओके चलिए, अब हम यहाँ पर बात करेंगे बच्चों, हमारे सामने ये एक प्रॉब्लम है और हमने इसको सॉल्व करना है कैश बेसिस से और एक्रुअल बेसिस में इसके प्रॉफिट और लॉस फाइंड करने हैं, ठीक है बच्चों? तो चलिए, सबसे पहले ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 17-18 मोहन की कैश सेल्स है बच्चों, कौन सी सेल्स है? कैश में कितनी है? 90,000। क्रेडिट सेल्स है 60,000। एक्सपेंसिस फॉर द ईयर, खर्चे उसके हैं 70,000, जिसमें से 30,000 आर स्टिल इन पेड। फाइंड आउट द मोहन इनकम फॉर 17-18 ऑन द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों इस क्वेश्चन में मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जब आप सॉल्यूशन करेंगे आपको प्रॉफिट फाइंड करना है, किस बेसिस पर फाइंड करना है बोलो बच्चों? कैश बेसिस पर। कैश बेसिस में प्रॉफिट निकलेगा कैसे? टोटल रिसीट ड्यूरिंग द पीरियड, टोटल रिसीट ड्यूरिंग द पीरियड माइनस टोटल पेमेंट। तो बच्चों ये बताओ टोटल रिसीट है कितनी हमारी यहाँ पर? टोटल कितनी रिसीट्स थी फर्स्ट वाले पार्ट में? कौन बच्चा बता रहा है मुझे? मोहन की कैश सेल्स कितनी है? 90,000। क्रेडिट सेल्स कितनी है? 60,000। मोहन को पैसा कितना मिला कैश में करंट ईयर में बताओ भाई? निधि बोलो बेटा, फर्स्ट ट्रांजेक्शन में कैश कितना मिला है? निधि को नहीं पता, नव्या बताओ। कैश सेल कर रहे हैं 90,000, क्रेडिट सेल कर रहे हैं 60,000, तो कैश रिसीट कितना है हमारे पास? युगांशी बताइए बेटा। सर 90,000। टोटल कैश रिसीट है 90,000। भाई कैश में सेल किया तो कैश रिसीट कितना हुआ? 90,000। ये क्रेडिट पर सेल किया, इसमें कैश का तो रिसीट है ही नहीं। अब आगे देखिए, एक्सपेंसेस कितने हैं? खर्चे मेरे 70,000 के हैं। खर्चे पेमेंट
दो बातें हैं बच्चों, दोनों में डिफरेंस पता है? एक्सपेंसेस अलग चीज हो गई और पेमेंट अलग चीज हो गई, दोनों में डिफरेंस मुझे लगता है सभी को पता है ना, अगर किसी को ना पता हो तो बोल देना। एक्सपेंसेस कितने 70,000, खर्चे में से जिसमें से 30,000 स्टिल टू बी पेड, अभी पे नहीं किए। तो बच्चों ये बताइए कि करंट ईयर में आपने पेमेंट कितनी की है एक्सपेंसेस की? 40,000 की आपने पेमेंट की है। टोटल एक्सपेंसेस थे 70, आउट ऑफ विच 30 इज नॉट येट पेड, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पेमेंट? 40,000। सो योर प्रॉफिट विल बी 50,000। और प्रॉफिट कैसे निकला? बस ये देखा कैश कितना आया, कितना रिसीव हुआ, कितना पेमेंट हुआ, दोनों का डिफरेंस आ गया प्रॉफिट कैश बेसिस में। जल्दी से इसको कर लीजिए, ये हमारी बुक का ही है, क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है। ये है बच्चों हमारे पास में पेज नंबर 4.8, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। दिस इज पेज नंबर 4.8, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब सेम सेकंड देखते हैं, टेकिंग द फिगर्स ऑफ अबव प्रॉब्लम, ऊपर वाली प्रॉब्लम में ही अब हमें इनकम फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू एक्रुअल बेसिस। तो एक्रुअल बेसिस पर जब हम इनकम फाइंड करने जाएंगे बच्चों, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखिए। एक्रुअल बेसिस पर जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करने जाएंगे, तो प्रॉफिट होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, चाहे कैश मिला हो या ना मिला हो, रेवेन्यू टोटल लेंगे। तो बच्चों कोई मुझे बता सकता है कि इस ऊपर वाली ट्रांजेक्शन में टोटल रेवेन्यू कितना है? कैश सेल्स 90,000, क्रेडिट सेल्स 60,000, तो टोटल सेल्स कितनी है? 1,50,000 इज द टोटल रेवेन्यू वेदर रिसीव्ड और नॉट। एंड व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस देयर, कुल खर्चे कितने हैं? 70,000 वेदर पेड और नॉट। तो टोटल इनकम विल बी 80,000 एज पर एक्रुअल बेसिस। जल्दी से इसको भी कर लीजिए, कैश बेसिस से कर लिया हमने और एक्रुअल बेसिस से भी कर लिया है। किसी को कोई डाउट है, समझ में नहीं आया तो मुझे बोलेंगे। ध्रुव कहीं पर कोई डाउट है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। कैश बेसिस में सिर्फ ये देखना है पैसा आया कितना गया कितना। कैश बेसिस में कैश हमें मिला था कैश सेल करके 90,000, खर्चे 70,000 के हुए जरूर थे, बट उसमें से 30,000 हमने पे नहीं किए, तो पेमेंट कितनी हुई थी? 40, तो प्रॉफिट विल बी 50,000। लेकिन एक्रुअल बेसिस में टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। उम्मीद है बच्चों हो गया है आप लोगों का। दो मिनट आपको दे रहा हूं मैं ये थर्ड वाला क्वेश्चन करने के लिए। बुक में है ये आपका क्वेश्चन नंबर 8, सेम पेज 4.8, क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 4.8, क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर आपको प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करना है कैश बेसिस पर पहले, बाद में एक्रुअल बेसिस पर। जल्दी से करिए बच्चों, पहले आप करिए उसके बाद में मैं आपकी हेल्प करता हूं। हो गया था ऊपर वाला। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पहले हम बात करेंगे कैश बेसिस की। तो बच्चों जब कैश बेसिस पर आप प्रॉफिट निकालने जाएंगे तो फॉर्मूला क्या बताया था? टोटल रिसीट्स माइनस टोटल पेमेंट। तो बच्चों बताओ, मिस्टर विजय एक कंसल्टेंट है फाइनेंशियल ईयर 17-18 में, इनकी अर्निंग है 4 लाख। ध्रुव ये अर्निंग है इनकी, तो क्या है? इतना पैसा इन्हें मिला है? Is this the earning or the receipt? This is the earning. Receipt यहाँ पर given नहीं है. Out of which he received only rupees 3,50,000. तो बच्चों receipt में क्या लिखूँ मैं? 4 लाख या 3,50,000? 3,50,000. 3,50,000 receipt है. He incurred an expenses of 170, out of which 40,000 are outstanding. तो जब आप payment की बात करेंगे, तो पेमेंट के अंदर कितना अमाउंट लिखेंगे हम? 70,000 लिखें, 40 लिखें, 130 लिखें, 210 लिखें, 130 लिखेंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस 1,70,000 के, जिसमें से 40,000 अभी आउटस्टैंडिंग है, दिए नहीं है, तो पेमेंट कितनी हुई है? 130 की। गुड, तो टोटल रिसीट 350 और पेमेंट
अभी तक 130। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, ही ऑल्सो रिसीव्ड, करंट ईयर में उसे और पैसा मिला, लेकिन वो पैसा प्रीवियस ईयर का, लेकिन मिला तो करंट ईयर में ही है ना, तो क्या ये करंट ईयर की रिसीट या पेमेंट को अफेक्ट करेगा? इट विल इंक्रीज द रिसीट ऑफ करंट ईयर, है ना। कैश बेसिस में क्या है, सिर्फ ये देखना करंट ईयर में कितना पैसा मिला, तो 40,000 ऑल्सो रिसीव ड्यूरिंग द करंट ईयर। क्लियर बच्चों? तो हमारी टोटल रिसीट अब कितनी हो गई है करंट ईयर की, 3,95,000, एंड ही ऑल्सो पेड 20,000 एक्सपेंसिस ऑफ द लास्ट ईयर। करंट ईयर में आपने 20,000 पेमेंट की थी लास्ट ईयर के एक्सपेंसिस की, तो क्या ये पेमेंट को अफेक्ट करेगी? करंट ईयर की पेमेंट इंक्रीज हो जाएगी। सो द टोटल पेमेंट मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर इज व्हाट, 150। तो बच्चों प्रॉफिट कितना मिलेगा हमें बताइए, 2,45,000 ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस में क्या चेक करना होता है, टोटल रिसीट ड्यूरिंग द ईयर, वेदर इट इज रिलेटेड टू द करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। सिमिलरली टोटल पेमेंट आप लिखते हैं, चाहे ये पेमेंट करंट ईयर के, प्रीवियस ईयर के, नेक्स्ट ईयर के, पेमेंट यदि आपने करंट ईयर में किए हैं तो वो करंट ईयर के पेमेंट में काउंट होंगी। कर लीजिए इसको कैश बेसिस से, और इसके बाद अब हम करेंगे इसको एक्रुअल बेसिस से। एक्रुअल बेसिस में प्रॉफिट अगर हमें फाइंड करना है तो कैसे निकलेगा बच्चों, टोटल रिसीट नहीं, टोटल रेवेन्यू हमने कितना जनरेट किया, टोटल पेमेंट नहीं, टोटल एक्सपेंसेस हमारे कितने हैं करंट ईयर के, तो बताओ बच्चों कौन बच्चा मेरी हेल्प कर रहा है? एक्रुअल बेसिस पर कोई बच्चा हेल्प करो, टोटल रेवेन्यू में कितना शो करूं करंट ईयर का, वेदर 4 लाख, डायरेक्टली 4 लाख, वेदर रिसीव्ड और नॉट, 4 लाख मेरी सेल्स है, मतलब अर्निंग है, टोटल रेवेन्यू, और टोटल एक्सपेंसेस सिर्फ करंट ईयर के हमें देखने कितने हैं, वेदर वी पेड इट और नॉट, कितने, 170। तो डायरेक्ट ऑन एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग योर प्रॉफिट विल बी 2,30,000। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस पता चला, कैश बेसिस में कैसे इनकम फाइंड कर रहे हैं, करंट ईयर की टोटल रिसीट, वेदर इट इज रिलेटेड टू द करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। करंट ईयर में मुझे पास जो भी पैसा आया, मेरे पास जो भी पैसा आया, चाहे वो प्रीवियस ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का या अगले साल का, करंट ईयर की रिसीट में है, तो मैं उसको रिसीट में, टोटल रिसीट में काउंट करूंगा एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग माई प्रॉफिट ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सिमिलरली जो भी मैंने पेमेंट की, वेदर इट इज रिलेटेड टू द करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर, वो मेरे टोटल पेमेंट काउंट होगी करंट ईयर की, और डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसीट एंड टोटल पेमेंट विल बी योर प्रॉफिट ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सर हमने वो लास्ट टू ट्रांजैक्शंस क्यों नहीं काउंट करी है एक्रुअल बेसिस में? हाँ, एक्रुअल बेसिस में हमें जो प्रॉफिट फाइंड करना होता है वो करंट ईयर का देखना होता है, कि करंट ईयर की इनकम कितनी, करंट ईयर का एक्सपेंस कितना। बात क्लियर होगी बच्चे, ये बात समझ में आई जो मैंने बोली? यस सर। अच्छा अब ये बताओ, ये जो बाद में सारे एक्सपेंसेस लिखे हुए करंट ईयर में मिले तो है, लेकिन क्या है करंट ईयर का है एक्सपेंस, इनकम है करंट ईयर की, कब की है ये, क्या लिखा है, कब की इनकम है ये? सर प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर की, तो ये करंट ईयर की इनकम है ही नहीं, तो मैं इसे काउंट नहीं करूंगा करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय। बात क्लियर? ओके सर। इसी तरह से मैंने पेमेंट किए 20,000 के एक्सपेंसेस की करंट ईयर में, बट वो करंट ईयर के एक्सपेंसेस नहीं है, तो पिछले साल के एक्सपेंसेस है, तो करंट ईयर के एक्सपेंसेस में हम उन्हें नहीं दिखाएंगे। यहाँ पर पूरा लिखना है टोटल रेवेन्यू ऑफ करंट ईयर, टोटल एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर। हो गया बच्चों, चले आगे, किसी का रह गया तो बताना बच्चों, क्या कहते हो, प्रथम, नोटेड, प्रेरणा, हो गया? यस सर। ओके, छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए जरा, अच्छा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते या पहले इनको पढ़ ही लेते हैं। व्हाट आर द टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बच्चों पूछा जाए तो कौन कौन से बेसिस हैं, कैश बेसिस एंड एक्रुअल बेसिस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग,
वेयर एंट्री इज रिकॉर्डेड ऑन रिसीट और पेमेंट बेसिस, जहां पर ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग कब होती है, जब कैश मिला या कैश की पेमेंट हुई उस समय पर जो रिकॉर्डिंग होती है, दैट इज रिकॉर्डिंग ऑन कैश बेसिस. दिस सिस्टम डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर आइटम. इट ऑल्सो डज नॉट रिकॉग्नाइज द, इसमें हम नहीं दिखाते प्रीपेड आउटस्टैंडिंग अक्रूड और रिसीवेबल को. वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? Accrual basis of accounting means transaction is recorded at the time when it is entered into and not when settlement take place. Clear ho gaya bachcho? Next, distinguish between cash basis and accrual basis of accounting. Cash basis mein only cash transactions are recorded, jabki accrual basis mein cash and credit both transactions are recorded. कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के आइटम्स का डिफरेंशिएट हम नहीं कर पाते कैश बेसिस में, कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के आइटम्स का डिफरेंशिएट कर पाते हैं आप एक्रुअल बेसिस में. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? सिंपल सिस्टम है, मोर ऑब्जेक्टिव है एज फ्यू एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स आर मेड. व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बच्चों? It does not give the true and fair view of profit or loss of the financial position. Correct profit or loss pata nahi chalta because credit transactions are not recorded. Second, it does not follows the matching principle. Next, bachcho, iske baad baat hogi. What are the advantages of accrual basis of accounting? It gives the true and fair point of view of profit or loss. It shows the complete picture of financial transaction as it record prepaid outstanding unearned and receivable amount also. Disadvantages kya hai accrual basis of accounting ki? More elaborated hota hai, zyada vast hota hai aur thoda sa complicated hota hai kyunki adjustments aapko karni padti hain and it requires some adequate skills. Okay, ab bachcho do questions to maine karke dikhaye the aapko. Ab ye question aapko sabhi ko karna hai aur aapko main deta hu iske liye 5 minutes deta hu karne ke liye. जल्दी से करिए, 5 मिनट में आपको इस करना है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से. पहले कैश बेसिस से करना है और फिर एक्रुअल बेसिस से करना है. जल्दी से करेंगे. कैश बेसिस पे तो सामने सॉल्व हो ही रखा है, बिना देखे करोगे. कैश बेसिस पर मैं फिर से लिख दूं यहां पर, जब आप कैश बेसिस में प्रॉफिट फाइंड करने जाते हैं तो प्रॉफिट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बच्चों याद आया? टोटल रिसीट ऑफ करंट ईयर माइनस टोटल पेमेंट ऑफ करंट ईयर. और जब आप एक्रुअल बेसिस में प्रॉफिट फाइंड करने जाते हैं, तो बच्चों प्रॉफिट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू ऑफ करंट ईयर माइनस टोटल एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर. अगर किसी बच्चे को डिफरेंस ना पता हो किस बीच में, रिसीट में और रेवेन्यू में, पेमेंट में और एक्सपेंसेस में, तो मुझे बता देना. जिनको ये डिफरेंस नहीं पता वो नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन. अगर किसी बच्चे को नहीं मालूम है तो वो बताएंगे मुझे. देखिए बच्चों, अगर हम कैश बेसिस पर फाइंड करने जाते हैं तो हमें यह देखना है कि रिसीट कितनी है और पेमेंट कितनी है. तो बच्चों रिसीट कितनी नजर आ रही है आपको करंट ईयर में बताइए? अमाउंट रिसीव्ड कितना है? सीधे सीधे पता चल रहा है, लिखा हुआ है. रिसीव्ड कितना है? 240. और पेड कितना है? 160. रिसीव्ड मतलब अमाउंट रिसीव्ड और पेड मतलब अमाउंट एक्सपेंसिस पेड. तो प्रॉफिट कितना हो गया? टोटल रिसीट माइनस टोटल पेमेंट, तो प्रॉफिट विल बी 80,000. किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर. अब एक्रुअल बेसिस से फाइंड करो आप लोग. एक्रुअल बेसिस पर हमें क्या करना पड़ेगा? रिसीट को कन्वर्ट करना है रेवेन्यू में, करंट ईयर के रेवेन्यू में. बच्चों करंट ईयर का रेवेन्यू कैसे निकलेगा? मैं एक्रुअल बेसिस पर फाइंड कर रहा हूं, चलो हेल्प करो मेरी. टोटल पैसा मिला मुझे 240, ये तो हो गया रिसीव्ड. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, क्या ये करंट ईयर की इनकम है या नेक्स्ट ईयर की है बच्चों बताओ?
नेक्स्ट ईयर की है, तो करंट ईयर को तो रेवेन्यू नहीं है, तो मैं इसमें क्या करूँ, करंट ईयर की रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए 240 में ऐड किया जाए 30,000 या हटा दिया जाए? सर हटा दें, हटा देंगे, क्योंकि मेरे को करंट ईयर के रेवेन्यूज चाहिए। करंट ईयर में कितना पैसा कमाया, मिला तो मुझे 240 करंट ईयर में, जिसमें से 30,000 नेक्स्ट ईयर का है, तो करंट ईयर की इनकम कितनी रह गई, करंट ईयर की रेवेन्यू 230। और इनकम नॉट येट रिसीव्ड, करंट ईयर की इनकम है मिली नहीं है 24, इसको हम क्या करेंगे, एड या लेस? ऐड करेंगे, बिकॉज दिस इज द इनकम ऑफ करंट ईयर, इनकम करंट ईयर की ही है, तो ये करंट ईयर के रेवेन्यू का पार्ट है। तो टोटल रेवेन्यू हमारा बन गया कितना, 2,34,000। किसी को डाउट तो बताइए मुझे। अब नेक्स्ट, इसी तरह से बच्चों एक्सपेंसेस की जब हम बात करेंगे तो एक्सपेंसेस कैसे कैलकुलेट करेंगे। पेमेंट इज गिवन 160, पेमेंट इज गिवन 1,60,000, ठीक है बच्चों, पेमेंट इज गिवन 1,60,000, ठीक। आगे इस जो पेमेंट हमने करंट ईयर में की है उसके अंदर से कुछ अमाउंट 40,000 इस ईयर का है या नेक्स्ट ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का है, तो क्या कर देंगे, माइनस, करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं, जबकि हमें एक्सपेंसेस चाहिए करंट ईयर के। ये 40,000 एक्सपेंस हमने पेमेंट तो की, दिस इज द पेमेंट, पैसा तो करंट ईयर में गया लेकिन ये करंट ईयर का एक्सपेंस है नहीं, एक्सपेंस ये अगले साल का है। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस नॉट येट पेड, करंट ईयर के खर्चे जरूर हैं लेकिन हमने पेमेंट नहीं किए, बट एक्सपेंसेस तो करंट ईयर के ही है, तो टोटल एक्सपेंसेस आप कितना शो करेंगे करंट ईयर का, टोटल एक्सपेंस हो जाएगा हमारे पास में 1,40,000 हो जाएगा, है ना, 1,40,000 हो जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट विल बी टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, दिस विल बी 73,000। जल्दी से सॉल्व कर लीजिए बच्चों, कैश बेसिस पर तो आपका निकल ही गया था, डायरेक्ट रिसीट माइनस पेमेंट, ये कंप्लीट हो गया चैप्टर बच्चों, बहुत छोटा सा था।